मेरी कहानियाँ आपको पता है हमेशा से बहुत फनी होती हैं, उर्दू वाली भी और इंग्लिश वाली भी। तो भाई बुजुर्गों दोस्तों, हुआ ऐसा कि ट्रेन के एक पूरे डब्बे में बारात बैठी हुई थी। मेरी तरह एक सादा मिजाज सा आदमी, उसको पूरी ट्रेन में कहीं जगह ना मिली, तो वो उस डब्बे में आया, तो उसको थोड़ी सी जगह मिल गई, तो वो उसी बारात वाले डब्बे के अंदर आके बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। लो भी हुआ ऐसा कि कुछ देर बाद बारातियों ने एक डब्बा खोला और उसमें से मीठे चावल निकाले। आए हाय 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 हाय, सारी बारात को दिए, सारी बारात मजे से खाने लगी, लेकिन उस आदमी को ना दिए। वो बेचारा चुप करके बैठा रहा कि शायद कोई बात नहीं भाई, शायद इन्होंने मुझे देखा ही नहीं। लो भाई बुजुर्गो दोस्तों, थोड़ी ही देर गुजरी तो बारातियों ने एक और डब्बा खोला। अब उस डब्बे में से क्या निकला? बर्फी। वो बर्फी निकाली और सारी बारात में तकसीम कर दी, लेकिन उस आदमी को ना दी। उसे बहुत गुस्सा आया कि मैं भाई एक ही बाहर का आदमी हूं, मुझे भी दे देते तो क्या था। लेकिन चलो, वो जब्त करके बैठा रहा, गुजारा चलाता रहा। लो भाई, सोने पे सुहागा ये हुआ कि उसके बाद बारातियों ने लड्डू के डब्बे निकाले और सबको एक लड्डू दिया, लेकिन उस आदमी को फिर नजरअंदाज कर दिया। भाई बुजुर्गो दोस्तों, आदमी को आया बहुत ही गुस्सा, वो खड़ा हो गया और कहने लगा, अल्लाह करे इस डब्बे पर बिजली गिरे और तुम सब मर जाओ। बारातियों बड़ा गुस्सा आया। जी बारातियों में से एक सियाना आदमी खड़ा हुआ और बोला, अगर इस डब्बे पर बिजली गिरी तो तुम भी मरोगे, तुम भी नहीं बचोगे। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल उस तरीके से बच जाऊंगा जैसे चावल, बर्फी और लड्डू की दफा बच गया था।